Today we will study about narrations. Narrations are of two types. Narration दो प्रकार के होते हैं, direct speech और indirect speech. What is the difference between them? इनके बीच क्या अंतर होता है? जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, he said I am nice. तो I am nice है, वो inverted commas के अंदर बंद है. तो इसलिए डायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट स्पीच हमेशा ही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होती है. इसका मतलब ये होता है कि स्पीकर ने जैसे वर्ड बोले थे वैसे के वैसे वर्ड हमने किसी दूसरे को बताने के लिए यूज़ किए हैं. हमने उन वर्ड्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है. मीन्स इन डायरेक्ट स्पीच एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर यूज्ड विदाउट एनी चेंज. बिना किसी चेंज के स्पीकर बोलने वाले के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. जैसे दो सेंटेंस, ही सेड दैट ही वॉज नाइस. अब हमने आई एम नाइस को ही वॉज नाइस में बदल दिया है. इन दोनों सेंटेंसेस की सेंस तो सेम है लेकिन हमने इसके प्रोनाउन यानी कि आई को ही में बदल दिया है, टेंस को हमने वॉज में बदल दिया है. तो इसमें चेंज कर दिया है, एग्जैक्ट वर्ड्स हमने यूज़ नहीं किए जो स्पीकर ने बोले थे. तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे. इन इनडायरेक्ट स्पीच एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट यूज्ड. सम चेंजेस इन टेंस, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस आर मेड. हाउ डू वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच? हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है? जैसे हमारे पेपर के अंदर भी यही आता है कि डायरेक्ट स्पीच हमें दी होती है और हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना होता है. लेट्स लर्न अबाउट इट. वी कैन डिवाइड डायरेक्ट स्पीच इन टू पार्ट्स. कोई भी डायरेक्ट स्पीच हमें दी गई हो हम उसको दो भागों में बांटेंगे. सबसे पहले जैसे हमें सेंटेंस दिया गया है, ही सेड आई एम नाइस, तो इसमें जो ही सेड है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे और आई एम नाइस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे. तो इसी के बेस पर, रिपोर्टिंग वर्ब के बेस पर ही हम रिपोर्टिंग स्पीच को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर. थ्री थिंग्स आर चेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमेशा ही तीन चीज़ें होती हैं जो बदली जाती हैं, जैसे टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब. ये तीन चीज़ें होती हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो हमने बदलनी हैं. तो इन तीनों के बारे में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि टेंस कैसे बदलने हैं, प्रोनाउन कैसे बदलने हैं, एडवर्ब कैसे बदलने हैं. इसके बारे में हम मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे.